पर इस बार मैं अकेला नहीं आऊंगा, 4-5 आदमी लेकर आऊंगा। सो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू डेली ब्लॉग पर, डेली ट्रैवल ब्लॉग पर। सही सुना आपने, शाम को 7 बजे अपना नया डेली ट्रैवल ब्लॉग आएगा। पैकिंग आप दे चुके हो, पूरी पैकिंग हो चुकी है, बैंडर्स पर लगा दिया अपन ने, और अपन जाने वाले भारत के 12 ज्योतिर्लिंग। जो आप शायद नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूँ, 2 है अपने गुजरात में, 2 है अपने MP में, 3 है महाराष्ट्र में, 1 है उत्तराखंड में, दक्षिण भारत में कन्याकुमारी महा रामेश्वरम है, 1 है उत्तर प्रदेश में और 1 है झारखंड में। भारत के चारों धाम बोल सकते हो, चारों कोने बोल सकते हो। पूरी सीरीज अपनी रोज शाम को 7 बजे आपको डेली मेरा एक वीडियो मिलेगा। आपको अलार्म शेयर कर दीजिए आप डेली वीडियो देखने के लिए। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो एक बार स्टेटस पर बहुत शेयर करिए, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा। और पूरा जितना कितना बचत होता है, मैं बहुत कम पैसों में घूमने वाला हूँ, बहुत कम पैसों में चीप प्राइस में अपन पूरा ये पूरा सीरीज से पूरा जो चार धाम की यात्रा पूरी कंप्लीट करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग बहुत कम पैसों में। मतलब कितने पैसे, कहाँ से आपको कौन सी ट्रेन मिलेगी, कहाँ कौन सी बस मिलेगी, कहाँ पर रहने की अच्छी व्यवस्था है, कहाँ खाना अच्छा मिलता है, पूरे सारी जानकारी मेरे डेली आपको 7 बजे वीडियो मिलेगी। कंटिन्यू मेरा जो वीडियो आते रहेंगे, जिससे अपन आज अभी उदयपुर हूँ मैं, उदयपुर शाम को अपने 8 बजे ट्रेन है। पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो अपना है महाकाल की नगरी महाकालेश्वर उज्जैन, वो अपना फर्स्ट अपना ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद अपन ओंकारेश्वर पर जाएंगे और उसके बाद अपन सीरीज चलती रहेगी कंटिन्यू अपनी, लगभग स्लो ट्रिप है, लॉन्ग ट्रिप है। तो लास्ट तक मेरे वीडियो में रोज बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखें आप रोज हमेशा, और जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, और हमेशा कमेंट में हर हर महादेव जरूर रखिए, क्योंकि अपन महाकाल के सारे 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए महाकाल के साथ आपका भी साथ जरूर चाहिए मेरे को, तो सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद। वो चलते हैं अपन पहला ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों अभी अपन है कैलाश भैया की यहाँ पर, कैलाश भैया के ऑफिस पे। ये इधर कैलाश भैया, कैलाश भैया कैसे हो? बढ़िया। ये इधर इधर लाज भाई भाई इधर ये भाई भाई ये 10-15 बेटों के मालिक, ये फार्मा कंपनी के मालिक, और इधर अपने जितेश जी मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे लुमिनस सेंटर के डायरेक्टर साहब, इधर निकुल भैया, असिस्टेंट प्रोफेसर मनीष भैया, सो दोस्तों अपने ये ट्रेन शाम को लगभग 8 बजे और अपन जा रहे हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंग। मैं छोड़ने जाऊंगा इनको, पूरे भारत के 12 ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएंगे रोज शाम आपको 7:30 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट तक वीडियो बना रही है, अपन चलते अभी ट्रेन के, और मैं लेने जाऊंगा टोल नंगड़ों के साथ बता के ये बोलिए आपको कुछ शब्द बोलिए भाई को शर्म आ रही फिलहाल, और इधर क्लच गया, क्लच गया आपको कुछ शब्द धन्यवाद। आप हमेशा इसी तरह लाइफ में भी आगे बढ़ते रहे और live long, live young and happy your life journey. जय माता दी। चलते हैं अपन बात के बाद तो दिल्ली चार धाम की यात्रा। आपका पहला टूर कहाँ का है? अपना महाकालेश्वर, महाकाल की नगरी, महाकालेश्वर का है, भोलेनाथ की जय। और वहाँ से अपन के लिए टी शर्ट भी लेके आना। तो दोस्तों अभी अपन छो रहे हैं लोकल डिपे के, जहाँ सामान लगते हैं वहाँ पर ऊपर छो रहे अपन, नीचे फुल पब्लिक है। एंड उदयपुर से निकलने से अपन लगभग 8:30 बजे ट्रेन थे अपनी उज्जैन के लिए, बिना जीते लेंगे अपना, और पूरी तैयारी कर चुके हैं अपन, बैग वैग पैकिंग कर रखी है, पूरा बैनर वैनर लग रहा है, और उज्जैन पहुँचेंगे सुबह के 5 बजे अपन। और जो इसका जो टिकट था वो था 160 रुपये, और नीचे फुल पब्लिक, ये जब फुल पब्लिक बैठी हुई है ऊपर छोड़े अपन, यहाँ पंखा लगाइए, पास में पंखा लग रहा है पे, तो देखते हैं।
सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी गुड मॉर्निंग नहीं गुड नाइट हो रहा है, लगभग 3 बज रही है और अपना पहला वीडियो अपन यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। और अभी फिलहाल है अपन अतलाम स्टैंड पे, यहाँ पर गाड़ी पड़ी हुई है, अपनी जो ट्रेन है और पूरा वो इधर का ट्रेन पड़ी हुई है इधर। और सुबह लगभग 5 बजे पहुँच जाएंगे अपन उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। आपको नेक्स्ट टाइम में महाकाल के दर्शन कराएंगे अपन को। आई होप सो वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड हो, फोटोग्राफी अलाउड हो और नहीं होगी तभी अपन कर लेंगे कुछ तो जुगाड़। और लास्ट टाइम वीडियो देखा उसके लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन कल सुबह, मतलब कल शाम को मिलेंगे 7 बजे, एवरी डे शाम को मिलेंगे अपन। तो लास्ट तक वीडियो बने रहे उसके लिए बहुत धन्यवाद। और रोज़ ऐसे अपने नए वीडियो आते रहेंगे, पूरी सीरीज लॉन्ग ट्रिप स्लो ट्रैवल चलेगा पूरा।